में वगैरह रहते हो, तो आपके लिए बहुत सारे डॉग्स हैं, जैसे कि सिट्जू, पुडल, कॉलिन, डैश हाउंड, बोस्टन टेरियर, ऐसे बहुत सारे आपको ब्रीड देखने को मिलेंगे। बट इंडिया में बहुत सारे डॉग अलग अलग है और सबकी चॉइस अलग है, इसलिए पूरे डॉग आपको अलग देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर आता है बॉक्सर डॉग ब्रीड। अगर आपको मीडियम टू लार्ज साइज का डॉग ब्रीड चाहिए और आप ऐसा सोच रहे हो कि जो बच्चों के साथ काफ़ी अच्छे से रह रहे, फ्रेंडली हो, थोड़ा बहुत हमें वॉच डॉग या गार्ड डॉग की तरह चाहिए, तो आप बॉक्सर ब्रीड के साथ जा सकते हैं। काफ़ी लविंग नेचर के होते हैं, बच्चों के साथ काफ़ी अच्छे से रहते हैं और अपने फैमिली के लिए काफ़ी प्रोटेक्टिव होते हैं और इनको फैमिली के साथ रहना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। जो नेक्स्ट डॉग ब्रीड आती है वो है पग। ये स्मॉल टाइप के डॉग ब्रीड होते हैं। अगर आपके घर में 1 से 2 बच्चे हैं और आपको स्पेस की कमी है, तो आप एक स्मॉल टाइप का डॉग ब्रीड ला सकते हैं। ये डॉग ब्रीड बच्चों के साथ काफ़ी घुल मिल जाते हैं, उनके साथ खेलने में इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और इनका मेंटेनेंस का खर्चा काफ़ी ज़्यादा कम आता है। 2 BHK, 1 BHK हाउस में भी रह लेते हैं और इनका प्राइस भी आपको 10,000 से 15,000 के बीच में देखने को मिलेगा, तो रीजनेबल प्राइस है और छोटी साइज़ है और बच्चों के लिए काफ़ी बेस्ट है। जो नेक्स्ट ब्रीड आती है वो है गोल्डन रिट्रीवर, वन ऑफ द बेस्ट डॉग ब्रीड इसे कहा जाता है, बच्चों के लिए, छोटी फैमिली के लिए। और ये भी आप अपार्टमेंट में, 2 BHK हाउस में, फ्लैट में रहते हो तो भी आप आसानी से इसे रख सकते हैं। बट इनका प्राइस अगर आप लेने जाते हो तो थोड़ा बहुत आपको कॉस्टली देखने को मिलेगा। बट ये ब्रीड काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट और होशियार होती है, ये छोटे बच्चों की काफ़ी अच्छे से केयर भी करती है, उनके उनके लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव बनती है। आपकी छोटी फैमिली है, उनके उनके साथ भी ये घुल मिल काफ़ी अच्छे से रह लेती है और स्ट्रेंजर के लिए भी कभी कभार ये फ्रेंडली डॉग ब्रीड बन जाती है। बट बच्चों के लिए वन ऑफ द बेस्ट डॉग ब्रीड इन्हें कहा जाता है। और गाइस, इसके साथ साथ दो ऐसे डॉग ब्रीड है जो कि आपको छोटी साइज़ में बट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी, सारे घरों में आपको ये डॉग ब्रीड देखने को मिलेगी, वो है इंडियन स्पिट्स और जो है पोमेरियन डॉग ब्रीड। ये भी काफ़ी अच्छी है, बच्चों के लिए काफ़ी खूबसूरत डॉग ब्रीड होती है। इनके बाल काफ़ी आपको वाइट और शाइनी देखने को मिलेंगे, बट इन्हें आपको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग की ज़रूरत आपको पड़ेगी इनको, या सोशलाइज आपको करवाना पड़ेगा पोमेरियन डॉग ब्रीड को, क्योंकि क्या होता है कभी कभार मस्ती में कभी पंजे या फिर कभी कभार ये डॉग ब्रीड काफ़ी ज़्यादा खुश होती है तो इधर उधर भागती है, तो ऐसे में छोटे बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए अगर आप सोशलाइज और ट्रेनिंग करो तो ये आपके छोटे बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा सही रहेगी। इसके अलावा आपको और भी बेहतरीन डॉग ब्रीड चाहिए, जैसे कि घर की भी केयर करे, बच्चों के साथ अच्छे से रहे और अपनी फैमिली को प्रोटेक्शन भी दे, तो उसके लिए आप जो है जर्मन शेफर्ड के साथ जा सकते हैं। ये वन ऑफ दो अच्छे गार्ड डॉग होते हैं, अच्छे फैमिलियर डॉग भी होते हैं, बट इनको आपको ट्रेनिंग और सोशलाइज की सख्त ज़रूरत होती है। अगर आप बचपन से ही बच्चों के साथ रखते, अपने फैमिली मेम्बर के साथ रखते और उनके साथ घुल मिल इनको रखते घुल मिल के, तो उसके लिए आपका डॉग काफ़ी ज़्यादा बेस्ट बनता जाएगा, बच्चों के साथ भी अच्छे से रहेगा, उनकी प्रोटेक्शन भी करेगा और आपके घर की हिफाजत भी अच्छे से कर लेगा। गाइस, अगर मैं जितने भी आपको डॉग बता रहा हूँ या फिर आप कोई भी डॉग लेने जाते हो या लेते हो, तो उसके बाद आपको उनको बच्चों के साथ भी अच्छे से सोशलाइज करना पड़ेगा, आपको उधर रहना पड़ेगा, थोड़ा बहुत उनको आपको केयर करना कैसे करना है, बच्चों को कैसे ध्यान रखना है, वो सब कुछ आपको थोड़ा बहुत उनको सिखाना पड़ेगा। तो आप जितना चाहे उतना बचपन से अगर उनकी ऐसा सोशलाइज बच्चों के साथ रखते हो तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा और आपका डॉग जल्दी से सीख जाएगा, जैसे बिहेवियर कैसा रहना, डिसिप्लिन में कैसा रहना, उनकी केयर कैसे करना, घर पर कोई ना हो तो उनको कैसे प्रोटेक्ट करना, ये सब कुछ आप धीरे धीरे उनको सिखाओगे तो वो काफ़ी अच्छे डॉग ब्रीड आपके लिए बनते रहेंगे। जो नेक्स्ट डॉग ब्रीड है वो है बीगल डॉग ब्रीड। ये काफ़ी शांत स्वभाव के डॉग ब्रीड होते हैं, इनको ज़्यादा शोर शराबा नहीं पसंद, ये काफ़ी अच्छे से रहते हैं बच्चों के साथ। अगर आपके घर में चिल्ड्रन 4-5 है तो उनके साथ भी अच्छे से रहते हैं, आप ट्रैवल करते हैं यहाँ से वहाँ तो भी आपके लिए डॉग ब्रीड सही रहेगा, इनको आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, इनको घूमना भी अच्छा लगता है और बच्चों के साथ खेलना काफ़ी अच्छा रहता है। अगर आपका छोटा अपार्टमेंट है तो भी आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि छोटी फैमिली है, आपके घर में बुजुर्ग वगैरह कोई है तो उनके लिए भी काफ़ी अच्छे से या वो केयर कर सकते हैं, इनको खाना खिला सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी डॉग ब्रीड है। बस इनका प्राइस 15,000 से चालू होकर 20,000 तक जा सकता है या उसके ऊपर भी, वो आपको ध्यान रखना है। जो नेक्स्ट डॉग ब्रीड है और लास्ट डॉग ब्रीड है वो है लैब्राडोर रिट्रीवर। ये काफ़ी अच्छे और स्वीट टाइप के डॉग ब्रीड होते हैं, इनका नेचर काफ़ी शांत स्वभाव का होता है, अच्छे वॉच डॉग भी इन्हें कहा जाता है। ये फर्स्ट टाइम डॉग ओनर के लिए काफ़ी सही रहेंगे, इनका प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा कम होता है, मेंटेनेंस का खर्चा काफ़ी कम आता है और ये बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे डॉग ब्रीड है। अगर आप इन्हें डिसिप्लिन में रखते हो तो बच्चे की अच्छे से केयर भी करेंगे, उनके साथ खेलेंगे भी और उनको काफ़ी अच्छा खुश रखने में डॉग ब्रीड काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे। लैब्राडोर रिट्रीवर एक ऐसा डॉग ब्रीड है जो कि अगर आपको कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं, आपके घर में बुजुर्ग वगैरह हो तो भी अच्छे से रहते हो, फ्लैट अपार्टमेंट में आप रखना चाहते हो तो भी अच्छे से आप रख सकते हो। सो गाइस, ये सारे डॉग ब्रीड जो है आप बच्चों के साथ रख सकते हो, उनकी केयर करने के लिए, उनको संभालने के लिए डॉग ब्रीड काफ़ी ज़्यादा सही रहेंगे और फर्स्ट टाइम है तो भी आपके लिए सही रहेगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी।